Let us start with your movie bait. First of all, congratulations Thank to you. the two of you. Thank My you. God, you. director, producer, dono saath saath, Mia Bibi saath saath, first Marathi debut, Janila Puttakya. Mm, yeah, high I want to ask that very generic question. Kaise <laughs> vaatte? <laughs> like God vaatte. Uh, but we are extremely proud of what we've been able to or tried to achieve. क्या होता है कि हर बार you think you want to progress in life. Hmm.

फिर आपने सोचा हिरोइन आयच्या चप्पलची शपथ बायको कुल ते हे कसं काय प्रकरण तुमचं जब मुसीबत लेनी है <laughs> अच्छा <laughs> अच्छा और प्रोड्यूसर <laughs> अच्छा? <और> प्रोड्यूसर <laughs> भी है तो बात कर मुसीबत को आसान करने <laughs> के लिए प्लीज टेल मी हाउ दिस वर्क आप आप डायरेक्टर आपका पहला मराठी मूवी यू आई डोंट नो क्या इस फिल्म के दौरान क्या फीलिंग आई क्या लेता है

But because a Marathi film, then you have to st still spend in a controlled fashion. But mm. generally always thinks that uh, I have overspent. Overspent? It it was wonderful to be the director on the set. And of course, there are a lot of things that go unplanned. Because you budget in such a way. के ड्रोन होगा फिर उस दिन ड्रोन चलता नहीं है दिन लोग गॉड अब इसका क्या रेलवे स्टेशन के दिन, हम शूट कर रहे थे परमिशन एक पहले ले ली hmm. और कोविड आ गया बोले उन्होंने कि हम लोग रेलवे स्टेशन से दस, दस, दस लोग देंगे मैं दस लोग क्या yes, चार लोग कैमरा मतलब oh. अकेले ट्रेन पकड़ के जा रही तो <laughs> <laughs> वो अपटीमोल्प डेज इन वन किया तुमने planning is important I matlab mean, ritesh is great with creatives and he's always even in our imagine meets the business that we have he handles everything to do creatively to do and that and i like i'm very good in planning and mm. i hate it if someone comes into my planning <laughs> tell, tell me how it was ki inko direct karna kya hota hai na when you directing a wife okay please hmm. in all seriousness i'll tell you tell me no please ki you think ke ek jagah to hai जहाँ आप उसको बोल सकते हो बहुत बोल वेरी एक्साइटेड फॉर योर फिल्म आई एम विंगट आर योर न्यूर प्लानी

सरेंडरिंग योर सेल्फ इन लव जैसे आप समर्पित कर देते हो प्यार में अनकंडीशनल और हर एक के जिंदगी में वन साइड लव कभी ना कभी हुआ है जब आप जिससे आप प्यार करते हो उसको बता नहीं पाए hmm. और इट्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सॉन्ग बेसुअली जब आप सुनोगे ना मेलेडी इज हार्ट ब्रेकिंग मेलेडी बट दिजुअलिंग कारण वेडी आहे ना तिला कळलं नाही ना। <laughs> डायरेक्ट की <के> आपल्या <laughs> आप आपल्या हार्टब्रेक मध्ये पण हा ती समाधानी आहे बजनिला प्लीज टेक मी थ्रू दिस लाइक आई आपका प्यार तू वैसे बचपन का है

Uh, किसी भी रिलेशनशिप uh, में जैसे जिन्हें कहा कि इम्परफेक्शंस तो होते ही हैं डोंट ट्राई टू मेक द अदर पार्टनर परफेक्ट एक्सेप्ट द इंपरफेक्शंस। एम्ब्रेस इट एंड फाइंड अ मिडल ग्राउंड वे यू बोथ कैन फिगर आउट अच्छा ये थोड़ा तो एडजस्ट कर ले इट्स अबाउट ऑल अबाउट कोलेबरेटिंग एडजस्टिंग मरूरिंग फॉर इफ यू थिंक द लार्जर गोल इज टू प्लीज टेल हिंदी बट मराठी नहीं मैं आपको हिंदी में बता दूँ हाँ, प्लीज कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है या डिसग्रीमेंट होती है एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है करेक्ट है और अगर सामने वाला इंसान ज्यादा अपसेट है और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने जाओगे ना तो इट्स कोशलैंड One last thing, I really wanted to know about Ritesh. Like I said in the beginning, I like have seen him in so so many movies. very skilled hai. इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिंग मतलब अगर आप कॉमेडी के बारे में सोचते हो ना एक्चुअली इंसिडेंटली मैंने एक फिल्म की थी हम दूसरी फिल्म बना रहे हैं तो उसके लिए मेरे पति का रोल था hmm. तो उनको पहले आया रितेश का मैंने कहा जनीला कार्ड डाली कि हमें <laughs> 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 like hmm. तो बट मतलब, वाई बिकॉज इट्स अ फनी गाय ऑल्सो लाइक अ सीरियस फनी गाय तो व्हाट तुम्हारे साथ मतलब वाइब पता नहीं चलती कभी कभी भाई फनी हो जाता है सीरियस वी प्ले सीरियस वेरी वेल यू प्ले फनी वेरी वेल क्या ज्यादा एंजॉय करते हो आप एनी रिटर्न मटेरियल जो अच्छा होता है ना तो उसे मजा आ है वो फनी होगा तो आई विल एंजॉय मोर फिर इज नाइसली रिटन सीरियस तो आई जस्ट लाइक टू बी इन अ स्पेस वेयर आई एम एबल टू क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं करेक्ट उम टेल अस अबाउट द म्यूजिक ऑफ योर मूवी बिकॉज़ इट इज सो गुड आई थॉट वी शुड गिव अजातुर कॉल में इनफैक्ट आई थिंक यू शुड प्लीज सिंस यू आर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राइट हियर